अल्लू साहब, इस सवाल का जवाब दें कि इंडस्ट्री में हर तरफ सन्नाटा है, ऐसा क्यों है? इस बारे में आप कुछ कहेंगे? इस बारे में तो बहुत कुछ है कहने को, कहें कुछ कहें, लेकिन सन्नाटा जो आप सन्नाटा कह रही हैं, दरअसल ये मौसम खजां का आया हुआ है इंडस्ट्री पर। तो खजां का मौसम क्यों आया कि जब बहार थी, बाहर में हर वो लोग यहाँ से पैसा कमा कर ले गए, चले गए, इन्होंने घर बना लिए, इन्होंने बिजनेस कर लिया, कारोबार कर लिया। तो इस इंडस्ट्री को वो खिजान बनाकर चले गए और वापस नहीं आए। और वापस क्यों नहीं आए, उसकी भी एक वजह है। वापस इसलिए नहीं आए कि वो जवानी में आए, एज ए प्रोड्यूसर आए। बेसिक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, बल्कि दुनिया की इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ, तो ज़्यादातर 90% लोग जो इंडस्ट्री में एज ए इन्वेस्टर आए हैं, वो अयाश लोग और वो अयाश लोग बाहर के शरीफ आदमी थे, हया रखते थे, किसी को पता ना चले, किसी के इल्म में ना हो मेरा किसके साथ ताल्लुक है, किसके साथ नहीं है। तो वो एक इंजॉय के मूड में आए। अच्छा। पैसा इन्वेस्ट करते रहे, फिल्में बनती रहीं। उस वक्त वो दौर ऐसा था कि सिर्फ फिल्म ही थी। अच्छा। सिर्फ PTV चैनल था, वो भी 10 बजे बंद हो जाता था। तो वो फिल्म अगर फ्लॉप भी होती थी ना, तो उसकी रिकवरी हो जाती थी। उनका अपना जो सिस्टम था उन इन्वेस्टरों का, वो भी साथ साथ चलता था। और दूसरी बात ये है कि आपने सन्नाटे की बात की, सन्नाटा इसलिए हुआ कि वो जितने इन्वेस्टर थे, वो सिर्फ अपनी ही मौज मस्ती को कायम रखने के लिए उन्होंने अपनी औलाद को इंडस्ट्री से मुताबिक नहीं करवाया। सिर्फ इसलिए नहीं करवाया कि कहीं हमारी कोई भी वीक पॉइंट, हमारा कोई भी हमारी औलाद के सामने ना आ जाए, घर में ना चला जाए, बीवी को ना पता चल जाए। तो वो उसको अपनी अय्याशी को उन दीवारों में रखने के लिए अपनी फैमिली से खुद दूर दूर हो गए और औलाद को इधर एंटर नहीं किया। उनको को कारोबार करवा दिए, काम करवा दिया, या बाहर भेज दिया, या कुछ कर दिया, लेकिन इस रंगीन महफलों में सिर्फ वो खुद ही रहे। अब वो बूढ़े भी हो गए होंगे, हमारे खब भी हो गए होंगे। अब वो बूढ़े हो गए हैं, तो अब उनका वो इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो गया। जब उनका वो इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दी। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ हमारे इंडस्ट्री में, जो हमारे पाकिस्तान में जो सिनेमा हाउस हैं, वहाँ से एडवांस मिल जाता था, फिल्म सेल हो जाती थी, बिक जाती थी, कुछ ना कुछ पैसे 10-20-30-35-40 लाख रुपया एडवांस में आ जाता था। जब वो आना बंद हो गया, अब पिक्चर इस जगह पर पहुँच गई है कि बनानी भी खुद है, रिलीज भी खुद करनी है, और उसका अच्छा जाना या ना जाना वो बर्दाश्त भी खुद ही करना। ठीक है। और दूसरे ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ हमारे सनी प्लस सैनी बन गए। सनी प्लस बेसिक सिर्फ इंडिया के लिए बने, पाकिस्तान की मूवी के लिए नहीं बने। अच्छा। सिर्फ इंडिया की फिल्म के लिए बने। वक्त ऐसा आया कि इंडिया की फिल्म जो है वो पाकिस्तान में बंद हो गई। अब जब बंद हो गई, तो वो सिनेमा इंडिया के लिए बना था, इंडिया की फिल्म बंद हो गई, पाकिस्तान की फिल्म को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, पंजाब की फिल्म को वो बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। वो उन्होंने एक सीन या सीक्वेंस या मूड ऐसा बना लिया कि ये लोग ही और हैं जो सनी प्लस पे फिल्म देखते हैं, हालांकि ये सब कुछ गलत है। आप आज भी डिफेंस में जाएं, बेल दें, तो बुजुर्ग धोती वाला निकलेगा, या 65 साल का होगा, 70 साल का होगा, उसने वही कुर्ता पहना होगा, अपना कल्चर नहीं छोड़ा, डिफेंस में जाके भी, लोग वही हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया जी लोग बदल गए। लोग नहीं बदले, लोग वही हैं। ये सिर्फ एक साजिश थी
पाकिस्तानी फिल्म को फ्लॉप करने के लिए। ठीक हो गया अंजुम साहब, हम हमारी इंडस्ट्री के जैसे आप डायरेक्टर हैं और लोग भी डायरेक्टर हैं, क्या वो कोई ऐसे लाहे अमल नहीं बना सकते कि इंडस्ट्री को दोबारा स्टैंड किया जा सके? देखिए सबसे पहली बात है कि ये एक पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री है ये, तो दुनिया में किसी भी जगह पर मुस्लिम कंट्री जहाँ है वहाँ शोबिज़ फ्लॉप है। नहीं, पाकिस्तान अपनी मदद आपके तहत शोबिज़ को चला रहा है। आज तक जो भी हुकूमत आई उसने बस सिर्फ लॉलीपॉप दी है कि इसको इंडस्ट्री तस्लीम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ और ना होना है, ये ना किसी ने करना है। अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ ये फिल्म इंडस्ट्री को लेकर चलते रहे हैं, लेकिन इस वक्त इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर क्यों नहीं है कि इन्वेस्टर जो है उसको अब इन चार दीवारी से बाहर सब कुछ मिलता है, उनकी अयाशी, उनका वो आराम गाहें, उनके वो गेस्ट हाउस, उनके वो फार्म हाउस, सब कुछ वहाँ अवेल है उनको। उसमें कोई इंडस्ट्री में कोई चार्म नहीं, इंडस्ट्री में वो चार्म वो जो है वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चार्म ये है कि जो जुनूनी लोग हैं वो इंडस्ट्री को आज भी नहीं छोड़ रहे और ना छोड़ेंगे, वो उम्मीद पे हैं, वो बल्कि उम्मीद नहीं है, वो यकीन पे हैं, यकीन पे ठीक है, ये एक ना एक दिन, एक ना एक दिन इंडस्ट्री जो है वो अपनी उस जगह पर ज़रूर आएगी। ताकि हमारे पास वो लेवल नहीं है, अगर इंडिया में 5 अरब की फिल्म बनती है मगर 20 लाख की बनाए तो उसका लेवल तो नहीं हो सकता। हमारे पास इन्वेस्टर, अगर हमारे पास भी अगर इन्वेस्टर 2-4 करोड़ का हो, 5 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, तो पाकिस्तान इंडिया से बेहतर फिल्म बना सकता है और बनाता रहा है पाकिस्तान। इंडिया कॉपी करता रहा है पाकिस्तान फिल्म की, पाकिस्तान सॉन्ग्स की वो कॉपी करता रहा है। इसमें एक मतलब प्रॉब्लम है, जैसे सुना गया है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है या और मुल्कों की गवर्नमेंट है किस हद तक सही है किस हद तक गलत है आप बेहतर जानते होंगे, वो यानी कि इंडस्ट्री को कर्जा देती हैं। बिल्कुल लोन देती हैं, कर्जा देती हैं, तो क्या हमारी गवर्नमेंट हमारे इंडस्ट्री के लोगों को कर्जा नहीं दे सकती? यहाँ से गवर्नमेंट ने टैक्स भी बहुत लिए हैं, जब फिल्में बनती थी उरूज पे टैक्स लेते थे तो वो गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होता था ना, तो आज इंडस्ट्री के लोग बहुत परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं और एक सवाल लेके खड़े हुए हैं कि हमारी इंडस्ट्री को किसने उरूज देना, कौन कौन लोग आएंगे? जैसे अंजुम साहब हैं, ऐसे और डायरेक्टर्स हैं जो अपने ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं यकीन के साथ कि हमारी इंडस्ट्री कामयाब होगी, अगर ये उम्मीद लगा के बैठे हैं और यकीन के साथ बैठे हैं तो इसमें हमारी गवर्नमेंट भी तो साथ दे ना हम लोगों का, के कर्जे दें, कोई ऐसे ऐसे सिलेक्टेड काम करें, कोई एक ऐसा लाहे अमल बना लें कि जो जो सिलेक्टेड लोग हैं जैसे आप हैं, सैयद नूर साहब हैं, हसन अस्करी साहब हैं, अपना और ऐसे डायरेक्टर हैं जिन जिनका एक स्कोर है काम में, तो उनको सिलेक्ट करके एक कोई बॉडी बना लें कि भाई ये सिलेक्टेड लोग हैं तो इनको कर्जा दिया जाए ताकि ये कोई मूव करें इंडस्ट्री के अंदर, कोई मूव करेंगे, कोई फिल्में बनेंगी तो लाजमी है कि और लोग भी इन्वेस्टर भी आ जाएंगे, देखा देखी आ जाते हैं। अच्छा, अच्छे राइटरों को प्रमोट करें, उनकी एक बॉडी बनाई जाए ताकि अच्छे सिलेक्टेड जो राइटर हैं वो इंडस्ट्री के अंदर आए, सारे बिखर गए, तो आप गवर्नमेंट से कोई इस बारे में कुछ कहेंगे? मलका जी, गवर्नमेंट से क्या कहें, गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो इंडस्ट्री को खुद फ्लॉप किया। वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को इतना गरीब कर दिया कि आप फार्म दें हम आपको मंथली 5,000 रुपया देंगे। देखिए ना, ये तो अफसोसनाक बात है। अब अगर अंजुम परवेज भी 5,000 ले रहा है, सैयद नूर भी 5,000 ले रहा है, मीरा भी 5,000 ले रही है, साइमा भी 5,000 ले रही है, तो आप सिर्फ इतना बताएं कि दुनिया में इन लोगों की वैल्यू क्या है। ठीक है, उन्होंने तो पेंशन दे दी कि आप 5,000 लें, इंडस्ट्री खत्म हो गई है, बंद हो गई है, महीने का 5,000 लेते हैं, तो घर में आटा डला लिया करें 15 दिन का। सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट कहती है कि हमें इज्जत दो, ये कुछ लोग ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, यार ये वोट को इज्जत दी जा रही है,
कि एक आर्टिस्ट जो जिसको दुनिया जानती है उसको महीना 5,000 रुपया लगा दें, 5,000 ना दें, कोई 15-20 लाख दें, 25 लाख दें, वो अपनी फिल्म को स्टैंड तो कर ले, कोई तो उनके साथ रियायत करे ना। मलका जी 20-25 लाख ही नहीं है, उनको एतमाद करें ना उन लोगों पर जिन्होंने इधर पूरी जिंदगी दे दी है, 40-40, 50-50 साल लगा दिए, उन पर एतमाद करें, उनको 2-2 करोड़ रुपया दें, उनसे फिल्म बनवाएं, उनको बोलें कि आप लोन दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, लोन पर उस आदमी, वो आदमी जरूर सोचेगा कि यार ये वापस करना है, मैं इतनी मेहनत से ऐसी पिक्चर बनाऊं कि गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी हो और मेरा लोन भी वापस चला जाए और मुझे भी प्रॉफिट हो। लेकिन यहाँ तो एतमाद 5,000 का एतमाद नहीं है, 6-6 महीने बाद 5,000 नहीं मिल रहा होता पंजाब हुकूमत से, नहीं दे रहे होते। मैं इतना कहूंगी कि कम से कम और गवर्नमेंट में पैसे आते होंगे, ये जो खान साहब की गवर्नमेंट में आर्टिस्टों को पैसे मिलने शुरू हो गए, या उससे पहले भी थोड़े बहुत मिलते होंगे, मगर कई गवर्नमेंट ऐसी भी आई है कि कुछ लोग खा गए पैसे, निचला तबका ऐसे ही रहा। वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन कम से कम ये इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन अकेला खान साहब क्या करे, यहाँ जो उनके नीचे जो बैठे हुए हैं, क्या उनको ये नहीं पता कोरोना चल रहा है, मार्केटें बंद हैं, कर्फ्यू लग गया है, तो आपको मिलेंगे ये 20,000 रुपया या 25-30,000 रुपया जो पंजाब हुकूमत ने देना था, नहीं मिले ना, नहीं मिले। अब ये इमरान खान तक बात कैसे जाए कि आपने तो कर्फ्यू लगा दिया, आपने तो कोरोना की शक्ल में घरों में बंद कर दिया, और जो हमारे तय हुए हुए पैसे थे कि 5,000 रुपया महीना, वो भी 5 महीने हो गए या नहीं मिले, ईद पर वो भी नहीं मिले, तो क्या ये बात खान साहब के इल्म में है? नहीं है उसके इल्म में। तो खान साहब अकेला इमरान खान क्या करे, मैं खुद पीटीआई का हूँ, मुझे इससे भी ज़्यादा गरीब कर दो, मेरे कपड़े भी उतार लो, लेकिन मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगा। देखिए मलका जी, मेरी इमरान खान साहब से सिर्फ एक दरख्वास्त है जी, कि कम से कम ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं या आपके वजीर बैठे हैं या फवाद चौधरी साहब हैं, ये फरदौस आशिक अवान हैं, इनको कम से कम इतना तो पंजाब में ये इतना तो होना चाहिए ना कि खान साहब को ये कहना चाहिए कि भई आपने उस लेबर को, उन लोगों को जिनके तयशुदा पेमेंट है, वो क्यों नहीं देते आप? यहाँ कुछ भी नहीं है। और फिर दूसरा, मैं खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी एहतसाब किया जाए आज से 30 साल पहले से लेकर आज तक का, कि किन किन लोगों ने कितने कितने पैसे लिए जिनमें नुमाया लोग हैं, नाम ना भी लो तो लोगों को पता है, लोगों को पता है, तो उनसे एहतसाब किया जाए कि इधर क्यों नहीं दिए गए पैसे, कौन कौन खा गया, जिस तरह ये कहते हैं ना कि एहतसाब करते हैं हम, एहतसाब आप करते हैं तो आप इधर भी एहतसाब करें ना, इंडस्ट्री की तरफ भी आए। अब वो 4-5-8-10 बड़े लोग जिनको ये बड़ा समझते हैं, हम नहीं समझते, वो लोग जाते हैं, वो मीटिंग करते हैं, वो अपना लेकर आ जाते हैं। आप, मैं फवाद चौधरी साहब को खास तौर पर कहूँगा कि आप खुद देखें, खुद लिस्ट लें उन लोगों की कि जो जुर्म करने से डरते हैं, जो पैसा चोरी करने से डरते हैं, किसी का खाने से डरते हैं, उन लोगों की लिस्ट लें ताकि वो लोग उनको पैसे दें, वो फिल्में बनाएं। ये आप अगर 8-10-12-15 बंदे ऊपर वाले गिन लेंगे, वो तो फिर खा जाएंगे यही सोचकर कि अभी पीटीआई है, कल पता नहीं होनी है कि नहीं होनी, खा जाओ। जो सारे ऐसे ही खाते हैं, वो मालदार से मालदार होते गए और जो लोग हैं दूसरे, वो गरीब से गरीब तक, जो डरते हैं किसी का माल खाने से, हाँ। और जो चोरी का पैसा खाने से डरते हैं, उनकी लिस्टें लें, उनको देखें कि क्या ये लोग इस काबिल हैं, इनको दो जो किसी की चोरी नहीं कर सकते। एक बात और भी अंजुम साहब, जिन लोगों ने पैसे खाए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो लोगों को पता है, तो उनसे कहें ना कि इंडस्ट्री पे पैसे आप इन्वेस्ट करें, अब इंडस्ट्री बेकार है, जो पैसा आप लोगों ने खाया वो इंडस्ट्री का पैसा है, वो इंडस्ट्री के ऊपर लगाए ना, वो फिल्में शुरू करें, एज ए प्रोड्यूसर फिल्में शुरू करें, वो नहीं कर सकते ताकि उन्हें आदत है खाने की, वो लगाने की नहीं, लगाने की नहीं है, वो और लेंगे इनसे, वो और जाएंगे मीटिंग करेंगे, इनको मुतासर करने की कोशिश करेंगे और उनसे पैसे लेंगे। नहीं नहीं, उसके लिए फिर हमारे आप क्रेडिट देखें, जिनके पास क्रेडिट है, जिन्होंने काम किया है, वो जो लोग कर रहे हैं, जो आगे इंडस्ट्री की सियासत में आगे नहीं आते, आप उन लोगों की लिस्टें लें, उनसे पूछें कि भाई आपने इतना काम किया है, उनकी सीवी देखें कि उन्होंने क्या कुछ किया है, आप उन पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो आपको, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस कर सकें, ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है, सब लोग जो हैं इधर जो बैठे हुए हैं सारे वो आपस में सब कुछ कर रहे हैं। अब कितना फंड आता है अब कोई पता नहीं है, कितना फंड आता है, अरबों के हिसाब से फंड आता है, लेकिन यहाँ हजारों के हिसाब से नहीं दिया जाता। लेकिन हर साल के बाद जब बजट अनाउंस होता है तो फंड नया सामने आ जाता है, पिछले का हिसाब ही नहीं है कि कहाँ गया, किसको दिया, किसने खाया, किसको नहीं दिया। खान साहब, अंजुम साहब जैसा कह रहे हैं, अगर ये बात हमारी आप तक पहुँचती है तो आप इस पर भी तवज्जो दें, क्योंकि इंडस्ट्री के लोगों का बहुत बुरा हाल है। ठीक है ना, ये नहीं है कि कुछ मखसूस लोग पैसे लेते हैं और खा जाते हैं, इंडस्ट्री बे यारो मददगार पड़िए, ये सारा उनका हक तो नहीं है ना, और लोगों का भी है, हम जैसे लोगों का, अंजुम साहब जैसे लोगों का भी हक है कि मतलब वो इस इंडस्ट्री में काम करें। इंडस्ट्री में जाके देखें हर तरफ सन्नाटे, लोग ऑफिस खोल के बैठे हैं, अपनी जेबों से कैसे वो पैसे दे रहे हैं ऑफिस को। ठीक है ना, वहाँ पे खर्चे और भी होते हैं, चाय के दूसरे मुलाजमों को खर्चे, और सारे वो खर्चे कैसे अपनी जेब काट के, अपने बच्चों के जेब काट के वो कैसे वो पैसे भरते हैं। तो इस बारे में भी सही कह रहे हैं जुम साहब, इस बारे में भी एहतसाब होना चाहिए। और छोटा मुंह बड़ी बात है, आपने बहुत से मुल्कों से कर्ज़ा लिया, कर्ज़ा नहीं सॉरी, यानी कि हेल्प मांगी है पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए, तो क्या आप हमारी इंडस्ट्री के लिए मतलब नहीं ले सकते बाहर के लोगों से? बाहर के मुल्क लोगों को तो इतनी इमदाद देते हैं या इतना पैसा देते हैं, तो अब हमारी इंडस्ट्री की मद में उनसे कुछ ले लें ताकि हमारी इंडस्ट्री जो है सरसब व शादाब हो जाए, क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये इंडस्ट्री इसको बिल्कुल चाहिए। तो बाहर के मालिक जो हैं वो हमारी इंडस्ट्री की हेल्प कर दें, वो कर, आप उनसे कहें वो हमारी इंडस्ट्री वो की हेल्प करते हैं, ये नहीं देते, ये देना ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मिनिमम आप 5 अरब रुपया दे दें, पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो इस जगह पर आकर खड़ी हो जाएगी। अच्छा, एक और बात है, जो लोग पैसा खाते हैं तो अंजुम साहब उनके लिए कोई कानून लागू करवाएं कि खान साहब उनके लिए, या कानून में कोई ऐसी वो होनी चाहिए कि ताकि लोग वो पैसा खाते हुए डरें, वो डरें कि भाई ये पैसा हम लेके आए, ये इन लोगों, इनके पेट बहुत बड़े, ये फौरन हजम कर जाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना, इनके लिए भी कोई कानून हो ताकि ये डरें कि यार ये जो पैसे हैं ये हमने खा रहे हैं, तो ये जो है हमने मतलब खा नहीं सकते, हमारी वो होगी, बिल्कुल सही, पकड़ होगी। जिन लोगों को अपनी इज्जत प्यारी है ना, वो पैसा नहीं खा सकते, वो नहीं खाएंगे। नहीं नहीं, इनके लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन इनके लिए तो होना चाहिए, लेकिन इन्हीं के लिए तो नहीं हो रहा। इनके लिए कुछ करें, और हमारी इंडस्ट्री के लिए कुछ करें ना करें, इनके लिए अगर कुछ कर लेंगे ना, हमारी इंडस्ट्री में दोबारा पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है वो शुरू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अंजुम साहब, आपका बहुत टाइम दिया, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। नाजरीन के लिए, अंजाम टीवी के लिए कोई पैगाम देना चाहें नाजरीन को, इंडस्ट्री के हवाले से या किसी भी हवाले से, खान साहब को कोई पैगाम देना चाहें? मेरी तरफ से मैं अपने पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के उन दोस्तों, माओं, बहनों, बेटियों के लिए फ़िलहाल मैं यही मैसेज दे रहा हूँ कि आप हर वक्त इस दुआ में रहें कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन और कश्मीर की आवाम के लिए अल्लाह ताला रहमत करे और इन मूजियों को वहाँ से निकाले, और ये दोनों जो मुल्क हैं ये अपनी जगह पर अपने ईमान में ज़िंदा रहकर इसी में खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। मैं भी दुआ करता हूँ और आप भी दुआ कीजिए कि रब्बे करीम इन दोनों मुल्कों को, इन दोनों रियासतों को आज़ाद कर दे और यहाँ से कुफर जो है वो बिल्कुल इनकी दहलीजों से दूर चला जाए। आमीन। सुबह बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।